दोस्तों मेरे पास हाइटल का A25 मॉडल है, जिसका हम अपडेट कैसे करेंगे जो है, तो सबसे पहले आपको जो है इसको वाईफाई से कनेक्ट करा लेना है। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट कराने के बाद मैं वाईफाई से इसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ दोस्तों। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा दोस्तों, तो आपको चलना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद जो है आपको सिस्टम लिखा होगा, सिस्टम पे आपको जाना है। सिस्टम के बाद जो है नीचे आ जाएगी तो सिस्टम अपडेट लिखा है, तो ये लोकल अपडेट अपग्रेड लिखा हुआ है। तो जैसे आपके पास कोई मेमोरी कार्ड में फाइल है या थीम वगैरह है, तो लोकल अपडेट के लिए जो है आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अपडेट करना है कंपनी के थ्रू, तो यहाँ को ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो है डाउनलोडिंग अपडेट हो रहा है, 233 MB का फाइल है। तो इसको मैं बाद में अपडेट करूँगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जो है अपडेट का ऑप्शन कहाँ से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा था। तो दोस्तों, अपडेट का जो सिस्टम है, तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो है वर्जन 0.30 मतलब 0.30 पे है, और ये अपडेट होने के बाद जो है वर्जन 0.32 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है नए फ्यूचर इसमें अपडेट हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये मेरा नया सेट है, तो जब इसको मैं बेचूंगा, तो अभी ये फ़ोन बिका नहीं है। मैंने सोचा इसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दें नए अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आपके पास फ़ोन अगर आइटल का A25 है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, सेटिंग पे जाने के बाद जो मैंने आपको जो बताया। तो इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और घंटी के बटन को दबाइएगा, ताकि मेरी कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिले।